Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting concept from H C Verma. और इस तरह के कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन आता है लाइक द बाइसिकल, है ना, कि बाइसिकल में किस तरह से फोर्सेस लगते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे. लेट्स सी, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय. सो लेट्स सी द मैकेनिज्म फर्स्ट कि किस तरह से एक्चुअल में होता है. सो दिस इज द हॉर्स कार्ट, राइट. तो अब क्या होता है, इनिशियली ये रेस्ट पे है, एवरीथिंग इज फाइन. अब क्या होता है, ये जो हॉर्स है, राइट, अब इसे देखो, ये क्या करता है, अपने पैर से ग्राउंड को पीछे के तरफ पुश करेगा. जैसे हम वॉक करने के लिए क्या करते हैं, राइट, वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हमारे ऊपर या हमारे फुट पे फोर्स लगाता है आगे की तरफ, and that's how we move forward. So similarly ये जो फूट है, ये जो हॉर्स है, ये ग्राउंड पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश करता है, लेट्स से विद अ फोर्स F1. तो ग्राउंड इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट. ग्राउंड इसके जो पैर है उस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो F1 लगेगा ऑन द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय द ग्राउंड. अब हॉर्स जैसे ही आगे की तरफ जाने को होगा या फिर आगे की तरफ मूव करेगा, अब देखो वो कनेक्टेड है किससे, हॉर्स, ये कार्ट से. हॉर्स कनेक्टेड है एक गाड़ी से, राइट, कार्ट से. तो ये कार्ट क्या करेगा, इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट. कोई चीज अगर आगे की तरफ जा रही है और वो कार्ट से कनेक्टेड है, तो कार्ट क्या करेगा, उसे पीछे की तरफ पुल करेगा. सो लेट्स से कार्ट जो फोर्स लगाएगा हॉर्स पे, लेट्स कॉल इट F2. और सिमिलरली बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हॉर्स कार्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, F2 आगे के डायरेक्शन में. अब देखो कार्ट पे F2 लग रहा है आगे की तरफ, तो कार्ट क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा. अब जैसे ही कार्ट आगे की तरफ मूव करेगा, उसके जो व्हील्स है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ग्राउंड में क्या है, फ्रिक्शन है. तो जैसे ही जो ये वाला पॉइंट है, राइट, यू कैन सी जो व्हील्स का पॉइंट कॉन्टेक्ट में है ग्राउंड के, जैसे ही वो कार्ट आगे की तरफ मूव करेगा, फ्रिक्शन उस कार्ट पे कैसा फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ. सो यहाँ पे जो कार्ट के व्हील्स है उस पे जो फोर्स लगेगा, लेट्स से बाय द ग्राउंड, वो लेट्स से F3 है. और फिर ये जो कार्ट है ये ग्राउंड पे अगेन F3 सामने की तरफ लगाएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो देखो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, हॉर्स पे लग रहा है F1 आगे की तरफ, राइट, जो ग्राउंड ने लगाया है, और F2 लग रहा है पीछे की तरफ जो कि कार्ट ने लगाया है हॉर्स पे. तो ये दो फोर्स लग रहे हैं. हॉर्स कब मूव करेगा, व्हेन F1 विल बी ग्रेटर देन F2. और ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगी क्योंकि F1 के कारण ही F2 आ रहा है. अब देखो, अब कार्ट पे अगर मैं बात करूं, कार्ट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो F2 है फॉरवर्ड में और एक F3 है. F3 कहाँ है, बैकवर्ड. ये F2 कौन लगा रहा है, ये हॉर्स लगा रहा है, और F3 कौन लगा रहा है, द फ्रिक्शन जो कि पीछे की तरफ लगा रहा है. और ये जो हॉर्स कार्ट सिस्टम है, ये ग्राउंड पे कितने फोर्स लगा रहा है, दो फोर्स, एक F1 लगा रहा है पीछे की तरफ, राइट, और एक F3 लगा रहा है आगे की तरफ. यू कैन सी F3 जो लगा रहा है ग्राउंड ऑन दिस व्हील, इसी के कारण व्हील रोटेट होगा, राइट. जैसे आप देखो, अगर ये व्हील है और इस पर आप पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. और जब हॉर्स कार्ट मूव करता है तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि जो व्हील्स है वो किस तरह से रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट. आई होप इट्स क्लियर. तो नेक्स्ट वाला सिस्टम हम देख लेते हैं, ये बाइसिकल वाला. सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे एक आदमी बैठा होता है, इनिशियली ये रेस्ट पे होता है, ठीक है. आप क्या करते हो, अपने पैर से इस पैडल को मूव करते हो. आप जैसे ही इस पैडल को मूव करोगे, राइट, तो होगा क्या कि ये जो चेन है, आपको दिख रहा होगा ये चेन, जो कि पीछे वाले जो टायर है, राइट, उससे कनेक्टेड है. तो जैसे ही ये चेन रोटेट करोगे, आप ये पैडल को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज, तो ये चेन भी पूरा क्लॉकवाइज रोटेट होगा. और जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये वाला जो व्हील है पीछे वाला, ये रोटेट करेगा सेम डायरेक्शन विच इज क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा. अब ये पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में रहेगा, राइट, ये आपका ग्राउंड है. तो जैसे पॉइंट ए है, जैसे ही ये जो व्हील है ये पीछे की तरफ एंटी यू कैन से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. सो ये वाला जो पॉइंट है जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है, पॉइंट ए कहाँ है, ऑन द टायर एंड इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड. सो जैसे ही वो पीछे की तरफ मूव करने को होगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. सो जो पीछे वाला व्हील है उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ, लेट्स कॉल इट F1, और वाइस वर्सा यू कैन से ग्राउंड पे एक फोर्स लगेगा F1 पीछे की तरफ, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द टायर। तो ग्राउंड पीछे वाले टायर पे सामने की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। अब जैसे ही ये जो पीछे वाला टायर है इस पे सामने की तरफ फ्रिक्शन लगेगा तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है या फिर आप ये वाला जो टायर है ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेगा इससे कनेक्टेड है ये बाइसिकल की बॉडी, तो ये पूरी बाइसिकल आगे की तरफ मूव करेगी और जब ये आगे की तरफ मूव करेगी तो ये वाला जो फ्रंट व्हील है ये भी आगे की तरफ मूव करेगा और जैसे ही ये व्हील आगे की तरफ मूव करेगा इसका जो पॉइंट है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी, वो भी आगे की तरफ मूव करेगा और जैसे ही कोई पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा और वो ग्राउंड पे है तो ग्राउंड उस पर कैसा फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि जो पॉइंट है बी है, ये पॉइंट बी है, वो आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, राइट? और फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। सो ग्राउंड उस पर कहाँ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ, लेट्स कॉल इट F2। रिमेंबर F1 और F2 बराबर नहीं होंगे, ऑफकोर्स अगर बाइसिकल को आगे की तरफ मूव करना है तो F1 शुड बी ग्रेटर देन F2 एंड दिस इज द केस व्हेन योर बाइसिकल कैन मूव। और अगेन देखो आप F1 के कारण ही F2 आ रहा है, सो F1 विल बी ग्रेटर देन F2, ठीक है। और एक फोर्स और होगा जो कि बाइसिकल लगाएगा फ्रंट व्हील वाला ऑन द ग्राउंड, दैट इज F2, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, है ना। जो हम वो फोर्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं जो ग्राउंड लगाता है बाइसिकल पे। तो ग्राउंड क्या क्या फोर्सेस लगा रहा है, F1 पीछे वाले यू नो चाक पे या फिर यू कैन से पीछे वाला जो टायर है उस पे आगे की तरफ F1 और सामने वाले टायर पे पीछे की तरफ F2 और वाइस वर्सा। न्यूटन थर्ड लॉ से आप कह सकते हो कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे होंगे दोनों टायर in the opposite direction on the ground. So I hope it's clear. If you have any confusion or want to discuss anything, same mechanism car में भी follow होता है. So I don't think कि हमें वो भी discuss करना चाहिए. Okay, fine. If you have any confusion or want to discuss further, you can contact in the Telegram group. You will get the link in the description. Keep working hard and best of luck for your exams.